हेलो गाइस वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लिटरेचर एंड सिनेमा की यूनिट फोर्थ को डिस्कस करेंगे ये आपका दो पार्ट में आने वाला है तो दिस इज योर पार्ट फर्स्ट तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें और आपको अच्छे से भी वो सारी चीजें समझ में आए एंड यू कैन अटेम्प्ट योर आंसर्स सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो हमारा सबसे पहला टॉपिक है द लैंग्वेज इन पॉलिटिक्स ऑफ सिनेमा जो लिटरेचर होता है वो लैंग्वेज को यूज करता है एज द एक्सप्रेसिव रिसोर्स लेकिन वहीं पे जो सिनेमा है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है जैसे कि डायलॉग्स एक्शन साउंड कॉस्ट्यूम एक्सेट्रा तो जो लॉरा मोलवे हैं वो अपने जो ऐसे हैं विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा उसके अंदर सजेस्ट करते हैं कि जो सिनेमेटिक रियलिटी है ना वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं होती बट आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी कि हम किसी रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो कि हम डायलॉग्स कॉस्ट्यूम एक्शन इन सारी चीज़ों का यूज करके उसे बनाते हैं एंड सिनेमा का बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है रियलिटी के साथ क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है रियलिटी का दैट इज नॉट रियलिटी तो फिर एक जो क्रिटिक है हमारे लॉरा ये बताते हैं कि जो सिनेमा है ना वो एक जेंडर इंस्टीट्यूशन है इसमें जो जेंडर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इसलिए हमें जो सिनेमा है उसका स्टडी अगर हम एक जेंडर परस्पेक्टिव से देखें तो कुछ और ही निकल के आएगा एंड वी शुड स्टडी दैट और यही जो हमारा मेन एजेंडा है इस यूनिट नंबर फोर के अंदर जो लॉरा है उनके ऐसे का क्या फाउंडेशन है तो उनका जो फाउंडेशन है वो फेमिनिज्म से लिया गया है फेमिनिज्म क्या करता है एनालाइज करता है एंड चेंज द पावर डायनेमिक्स ऑफ डायनेकल सोसाइटी कि जो पेट्रियाकल सोसाइटी है जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है वो कैसे सोचती है वो पावर गेम कैसे खेलती है उसका हमें तख्ता पलट करना है तख्ता पलट नॉट इन द सेंस कि वी शुड बी एंटी मैन बल्कि इक्वलिटी लेके आना है मैन और वुमेन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है दैट इज फेमनिज्म लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो शुडो फेमेनिज्म हो जाएगा ठीक है तो हमें जो बैलेंस रखना है इक्वालिटी का बिटवीन मैन एंड वेमेन देन इज जो फेमेनिस्ट रहते हैं दे मेक वुमेन्स वॉइस एंड एक्सप्रेशन देयर प्राइमरी कंसर्न कि जो वुमेन का वॉइस है वो दबना नहीं चाहिए उनके एक्सप्रेशंस को दबाया ना जाए और जो फेमेनिज्म है इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन कि भाई हाँ वुमेन को आगे रखो इट्स अबाउट द इक्वालिटी एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू और ना ही एंटी मैन होता है जो मैरी वुलस्टन क्राफ्ट का एक ऐसे है विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन उसको भी इन्होंने अपना एक फाउंडेशन सोर्स लिया है इस ऐसे के लिए जो कि 1792 में लिखा गया था तो दिस विल बी द सोर्सेज फॉर दिस ऐसे एंड उसी का रेफरेंस लेके हम सारा स्टडी करेंगे सिनेमा के अंदर तो हमारा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था उसका प्राइम फोकस था जो फीमेल है उनके लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज लाना इक्वल राइट लेके आना या फिर इक्वल वोटिंग राइट लेके आना ये उसका मेन परस्पेक्टिव था लेकिन ऑन द अदर हैंड जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया तो उसने देखा कि जो पिट्रिया है वो कंस्ट्रेन कर रही है वेमेन की लाइफ को और बहुत सारे तरीके से भी तो उन सारी चीजों को भी उन सारे जो बैरियर्स हैं उनको भी हमें हटाना है ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिस्कस किया गया मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्टुसेर्स नोशन ऑफ आइडियोलॉजी तो ये बात करते हैं मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में तो मार्क्सिस्ट नोशन में क्या रहता है सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव जो कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स के द्वारा लाए गए हूँ देट आर यूज टू मेंटेन एंड अप होल्ड द पावर ऑफ डोमिनेंट सोशल ग्रुप और द क्लास कि हमें क्या करना है बैलेंस करना है क्लास ग्रुप वाले जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तो फेमनिज्म में हम जेंडर की बात कर रहे थे लेकिन मार्क्सिज्म में हम क्लास की बात करते हैं तो जो अलतुजर हैं वो ट्वेंटी सेंचुरी मार्क्सिस्ट फिलासफर थे एनी फार्मुलेटेड अनदर नोशन ऑफ आइडियोलॉजी इन हिज ऐसे जिसका नाम था आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिस तो 1970 में ये uh, जो ऐसे था इन्होंने लिखा था देन इज एम्पलॉइंग द आइडिया ऑफ साइको अनालसिस लेकिन जो अल्तूसर हैं वो प्रपोज करते हैं दैट द पावर ऑफ दैपिटलिस्ट स्टेट इज मैंटेन्ड ओवर द सब्जेक्ट बोथ बाय रिप्रेसिव स्टेट अप लाइक गवर्नमेंट आर्मी पुलिस लो कोर्ट प्रिजेंट एन द आइडियोलॉजिकल स्टेट टू कंक्लूड ये ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक पावर रहता है कैपिटल स्टेट का वो दो फोर्सेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है पहला होता है रिप्रेसिव स्टेट अप्रेटिस जो कि गवर्नमेंट है आर्मी पुलिस लो कोर्ट एंड द सेकंड इज द आइडियोलॉजिकल स्टेट जैसे कि आर्ट मीडिया स्कूल मतलब कैसे हमारा जो नोशन है वो फ्रेम किया जा रहा है कैसे हमारी आइडियोलॉजी है जो फ्रेम की जा रही है वो ये दो स्कूल है जो वो डिसाइड करते हैं या फिर दो अप्रेटिस है जो वो डिसाइड uh, करते हैं कि हाउ वी विल व अ आइडियोलॉजी ओवर समथिंग फिर आता है लेकिनियन साइको एनालिसिस तो जो जैकिस लेकिन है वो अप्लाई करते हैं फ्लूड के आइडिया अबाउट सेक्शुअलिटी एंड द अनकॉन्शियस टू लैंग्वेज ही क्लेम दैट कि जो जेंडर आइडेंटिटी होता है ना वो उसका लैंग्वेज से ही फॉर्मेशन हो जाता है कि हम कैसा लैंग्वेज रखते हैं कि जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी एग्जांपल दिया था कि जैसा हम बच्चे को दिखाएंगे सिखाएंगे वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं जो हमारा नर्सरी का बुक्स होता था ना उसमें ऐसा अपोजिट वर्ड सिखाए जाते थे तो अगली में देर शो आर डार्क कलर्ड वमेन एंड ब्यूटिफुल में वो एक वाइट वेमेन को दिखाते थे तो बच्चे के दिमाग में तो अब यही बैठेगा ना कि दिस डार्क कलर्ड पीपल दे आर इन्फीरियर या फिर वो क्या है दे आर पुअर या फिर अगली एंड द वाइट स्किंड आर ब्यूटिफुल तो वो वाला जो परसेप्शन है वो आपका कहाँ से आया लैंग्वेज से आपका एडुकेशन से तो वही चीज़ें बता रहे कि जो जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन है वो आपका लैंग्वेज से आता है कि भाई लड़कियाँ ऐसी होती हैं लड़कियाँ शुड बी वीक वो थोड़ी सी टिमिड रहेंगी या फिर होता है ना कि थोड़ा सा इमोशनली वो वीक रहती हैं जो मेल होता है वो इमोशनली स्ट्रॉग होता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपका एजुकेशन से भी मिलती हैं तो लेकिन का वर्क है वो सिंबलाइज करता है पोजीशन ऑफ होलनेस एंड फुलफिलमेंट जो कि दोनों सेक्सेज एस्पायर करते हैं मेल एंड फीमेल बोथ जो लॉरा है वो बताती हैं लेकेनियस आइडिया टू डिस्क्राइब द लेक द मेल सब्जेक्ट फील्स इन द प्रोजेक्ट ऑन टू द फीमेल सब्जेक्ट सो दैट ही कैन सस्टेन अ फेंटसी ऑफ बींग यूनिफाइड एंड कंप्लीट तो क्या बता रही हैं कि जो एक लेक मेल को फील होता है और एक जो फीमेल को एज अ प्रोजेक्ट किया जाता है उन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए वी शुड स्टडी द थिंग्स की क्या क्या हमारी सिनेमा है जो वो लेक है एंड वी शुड वर्क ऑन टू दैट अब बस इसकी समरी की बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीजों का या फिर इफ यू वॉन्ट आई कैन प्रोवाइड यू दिस नोट्स ओवर टेलीग्राम तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा एल शेयर द पीपीटी ओवर देयर आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं तो समरी की बात करें तो जो लॉरा है वो बात करती है अपने ऐसे की जो कि है विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा सेकेंड पॉइंट में है कि जो मेल करेक्टर है उसको पोजिशन किया गया है एज द एजेंट जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनको एज अ ऑब्जेक्ट दिखाया गया है मेल गेज को बताया गया है डोमिनेंट गेज एंड वेमेन इज कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर ऑफ मैन फिर जो अनकॉन्शियस पेट्रियल सोसाइटी है वो बताई गई है देन इज हाउ स्ट्रक्चर्ड फिल्म फॉर्म कि कैसे पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है फिल्म का वो चीजें भी आपको डिस्क्राइब की गई है कि हमें किस तरीके का ऑथेंटिसिटी रखना चाहिए फिल्म मेकिंग में जो पेट्रियाकल सोसाइटी है वो दो फोर्सेस में डिवाइडेड है एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव जो एक्टिव है उसका मतलब होता है मेकिंग लुक रिजर्व फॉर मेल सब्जेक्ट एंड द पैसिव वन इज फॉर द फीमेल सब्जेक्ट फिर बात आती है गेज की तो जो नरेटिव सिनेमा है वो क्रिएट करता है गेज को एज पेट्रियाकल वन कि जो ये है ना गेज वो एक प्लेजर जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू दिस पेट्रियाकल आइडियोलॉजी ठीक है तो ये सब था इस फर्स्ट पार्ट में आई होप आपको समझ आया होगा फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसे आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे ईमेल करके या फिर कमेंट सेक्शन में यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम चैनल तो वहाँ पे आप पूरा वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं ओके स्व वेल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स